यासीन मलिक रहने वाला हिंदुस्तान का, गुनाह हिंदुस्तान की धरती पर किए, हिंदुस्तान की अदालत ने गुनहगार ठहराया और सजा सुनाई, और इससे सबसे अधिक परेशान मुल्क है पाकिस्तान, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आतंकिस्तान भी कहा जाता है। यासीन मलिक की सजा को लेकर पाकिस्तान में बहुत बेचैनी नजर आई। उससे ये शक और पुख्ता हो जाता है कि भारत में आतंकवाद फैलाने की चाल पाकिस्तान पर्दे के पीछे से रचता रहा है और उस पर भारतीय न्याय व्यवस्था ने सीधा प्रहार किया है। अब पूरी दुनिया ये भी देखेगी कि पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद और सलाहुद्दीन जैसे आतंकवादी सरगना किस तरह कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए अपना मोहरा चुनते हैं, उन्हें टेरर फंडिंग करते हैं और दुनिया के सामने भारत और आम कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। वो हिंदुस्तान की जन्नत को जला देना चाहता था और खुद ऐशोआराम की जिंदगी बसर करता था। वो कश्मीरी बच्चों के हाथों में पत्थर, पत्थरबाजी और बर्बादी लिखना चाहता था और खुद दहशतगर्द मुल्क में दामाद बनकर खातिरदारी पाता था। वो हिंदुस्तान के कानून को चैलेंज करता था और पाकिस्तान के आतंकी सरगना के साथ रैलियां करता था। यासीन मलिक नाम के इस गुनहगार ने कश्मीर और कश्मीरियों के साथ जो किया है उसका अंजाम हिंदुस्तान की अदालत ने सुना दिया है। यासीन मलिक की करतूतों का हिसाब होते ही वो आतंकिस्तान घबरा गया जिसने इस यासीन को दशकों तक अपना पालतू बनाए रखा था। पाकिस्तानी हुकूमत से लेकर सियासत तक सब यासीन के इस अंजाम से बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान के पीएम ने लिखा, राजनीतिक बंदी के साथ बुरा सलूक हो रहा है। इमरान खान ने लिखा, झूठे आरोपों में सजा की निंदा करता हूं। अब्दुल बासित ने लिखा, दुनिया जागे, भारत फासिस्ट हो रहा है। पत्रकार हामिद मीर ने लिखा कि नेल्सन मंडेला को भी अदालत से सजा हुई थी। शाहिद अफरीदी ने लिखा, झूठे आरोप लगाने से आवाज नहीं थमेगी। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ तक में उस आतंकवादी को बचाने के लिए गुहार लगाई जाने लगी। यासीन को अदालत से सजा के बाद पूरे पाकिस्तान की इस बौखलाहट की असली वजह क्या थी? मुशाल हुसैन खुले अल्फाजों में बोल नहीं सकती थी, लेकिन ये पाकिस्तान को उसकी चेतावनी थी कि अगर यासीन मलिक का सच खुल गया तो पाकिस्तान के उस सारे प्लान का आधिकारिक भंडाफोड़ हो जाएगा जो पाकिस्तान ने कश्मीर में रचा है। क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत को बेहतर पता है कि कश्मीर में यासीन मलिक जैसे पाकिस्तानी पिट्ठुओं ने क्या क्या कांड कर रखे हैं। फिर भी पाकिस्तान खानापूर्ति के लिए यासीन मलिक के समर्थन में खोखली आवाज उठा रहा है। आज तक ब्यूरो।